जो डे वन था एक्चुअली बहुत कम ये लिखा गया है, लेकिन वैसे कभी होता नहीं है कि एक बाई वीकली डेली बन जाए, तो मैं खुद शॉक था पहली बार जब मैंने सुना कि इसको एक डेली बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है टेलीविजन में पहले। ऑफकोर्स जब एक डेली बन जाता है तो उसका शूटिंग पैटर्न अलग हो जाता है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनली एक पूरे सीजन को पूरी तरह से शूट किया जाता है, फिर उसके बाद वो एयर पर जाता है एक मूवी की जैसे। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में एक अलग ही तरीका है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं, एक छोटा सा बैंक बनाते हैं 5, 10, 12, 15 एपिसोड का, उसके बाद ऑन एयर जाते जाते कहीं ना कहीं कैचअप हो जाता है, और कैचअप होने के बाद आप आज शूट करते हो कल वो रिलीज होता है। तो ये शो वैसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए पहले मैं थोड़ा डर गया था कि कैसे करेंगे, क्योंकि वैसे नॉर्मली फैमिली ड्रामा डेढ़ दिन में एक एपिसोड शूट हो जाता है या एक दिन में, और आप फिर रिलीज कर सकते हैं। इसको कम से कम 3 दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन है, भागम दौड़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अलग अलग लोकेशंस हैं, क्योंकि हम एक ही सेट में नहीं बैठे हैं। जहाँ एक लोकेशन में आप देखें 3 सेट बन जाते हैं, ये बुआ का घर, ये फूफी का घर, ये इसका घर, और वहाँ आप जाते जाते शूट करते हो, एसी सेट्स होते हैं, हमारे लिए एसी सेट्स नहीं हैं, तो हम बाकायदा लोकेशंस जहाँ हीट है, ऑफकोर्स फैंस एसीज वहाँ होते नहीं हैं, पंखे जो वैसे होते भी डाल नहीं सकते, क्योंकि वी हैव सिंग साउंड्स में आवाज़ आता है। तो इट्स रियली डिफिकल्ट, द शूटिंग फॉर द शो इज नॉट ईजी, इट्स वे मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर डेली शो। लेकिन अभी से डेली बनाया गया तो फैक्ट इज, अगर वैसा एक अपॉर्चुनिटी हमारे शो को दिया गया, मतलब उस शो में कुछ था। और क्राइम शोज की हिस्ट्री ऐसे रही है कि ज़्यादातर वो सक्सीड नहीं किया करते हैं, नॉट द सावधान एंड क्राइम पेट्रोल टाइप, क्योंकि वो एक अलग ही किस्म का शो है। लेकिन एक डिटेक्टिव शो या यू नो, जब आप देख लो इतने जो बने हैं पास्ट में, मुझे तो करमचंद की याद आती है कभी कभी कि बचपन में वो देखा था मैंने। तो ये अगर इसे कहीं ना कहीं ऑडियंस ने सहरा है तो हमें जाके अपना काम करना ही है। तो ये सीजन में हमने बहुत ही जान डाला है, हमारी शूटिंग सिचुएशन अगर आप देखें तो इट्स रियली डिफिकल्ट। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो रीज़न रहा है हमारे सक्सेस का फैसले, वो है राइटिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक क्राइम शो में लीनियर स्टोरी, मतलब पर्सनल लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स भी डाल दें, कैरेक्टर्स डालें जिससे लोग अटैच भी हो सके। सो वो राइटिंग बहुत बढ़िया निकलने लग गई, एंड वी स्टार्ट एंजॉइंग एवरी सीन, एवरी कैरेक्टर्स डेवलप्ड। देव इस सीजन में ज़्यादा एंग्री है और ज़्यादा पेन में है, क्योंकि उसके फैमिली और लव वन से उसे बहुत धोखा दिया गया है। और सारे जो कैरेक्टर्स हैं, अभी महक की मिस्टीरियसनेस और बढ़ जाती है कि क्या वो धोखा दे रही है या सचमुच से प्यार कर रही है। और जिज्ञासा की एंट्री आई है, ध्वनि, जो ऑलरेडी कलर्स में आपने देखी है थपकी में, शी इज़ वेरी फाइन यंग गर्ल, और एक एनर्जी कलर लाती है शो में वो, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि डार्क शो को थोड़ा ब्राइट कर लेता है। एंड हमेशा अपना शशि कपूर कहता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बजरू, बट लेकिन ही रिमाइंड्स मी अ लॉट। एक यूनिफॉर्म में मैंने आज तक नहीं देखा टेलीविजन में कोई इतने मतलब प्रिसिशन से कैरेक्टर को जो आगे लेकर जा रहा है वो अमित है। सो आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव दोस सीन्स विद हिम। तो सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, स्टोरी को एक डेली फॉर्मेट में ऐसे बना कि क्राइम उसी दिन खत्म नहीं होता, वो मतलब वीकेंड तक जाता है, और कभी कभी वीकेंड पे भी खत्म नहीं होता, तो ऑडियंस को होल्ड करना भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये एक अटेम्प्ट है हमारे लिए, पहला सीजन भी एक एक्सपेरिमेंट था, चैनल ने कहा था, फिर वो एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर सेकंड सीजन भी एक्सपेरिमेंट ही है। बट व्हाई नॉट, अगर हम किसी भी तरीके से हम अपना नाम इस दौर को बदलने, टीवी के दौर को बदलने में अपने नाम को जोड़ सके, तो क्यों नहीं। बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग, इनिशियली मैं कलर्स देखता था, तो बालिका वधू जैसे प्रोग्राम्स आए तो थिंक कि कभी कभी ऑफकोर्स सक्सेसफुल होते कि ऑडियंस चाहती है शोज, लेकिन कुछ कुछ ऑडियंस के लिए रिग्रेसिव सा होता था। बट इफ़ यू सी द थिंकिंग, द थिंकिंग ऑफ द चैनल इज वेरी कंप्लीट, उनको अपना बुक ही कंप्लीट कराना है। और हमें एक्चुअली ये कहा गया है कि TRP ना देखें। नॉर्मली हर एक एक्टर को ये टेंशन रहता है कि TRP आएगा कि नहीं, लेकिन द चैनल हैज बीन वेरी काइंड एंड वेरी नाइस टू अस बाय सेइंग डोंट वरी अबाउट TRP, क्योंकि ऐसे शोज बनने चाहिए, अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए फ्रॉम द काइंड ऑफ शोज वी आर मेकिंग। सो अ बिग थैंक्स टू कलर्स फॉर ट्रस्ट बिलीफ एंड फॉर मेकिंग समथिंग व्हिच इज सो सब डिफरेंट होते हैं, बट ये जेन्युइन डिफरेंट है।